इस फैसले के पीछे एक वजह थी, ताकि इस घर की इज्जत ना उछले। इस घर का वारिस या वारिस हो, इस घर के होने वाले वारिस की मां होने के नाते भाविशा का इस घर पर पहला हक है। ऐसा जब छोटे गलती करते हैं ना, तो बड़ों का ये अधिकार होता है कि वो छोटों को सजा दे, उनसे बात ना करे, उन्हें डांटे। पर जब वही छोटे माफी मांगे अपनी गलती के लिए, तो बड़ों का ये फर्ज होता है कि वो छोटों को माफ कर दे। अपना फर्ज निभाइए मासा, माफ कर दीजिए इन्हें। माया देख क्या रही है, बहू को ड्योढ़ी पे खड़ा रखेगी क्या? जाओ से लेके आ। बहू जा अपनी जेठानी को लेके आ। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे और अनामिका को बहुत चाहता हूं। मां मुझे माफ कर दे और अनामिका को अपना ले। मां अब मुंह क्या देख रही है मेरा, पकड़ परात। अब ले आई है इसे तो स्वागत तो कर लो। जाओ, तुम दोनों को माफ कर दिया मैंने, पर ये मत समझना कि तू इस घर को उसका वारिस देने वाली है इसलिए माफ किया। माफ इसलिए मैंने किया तुझे कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और खुशी की बात तो ये है कि तूने हमारा साथ छोड़ दिया लेकिन अपने बींद का साथ नहीं छोड़ा। आज से तू इस घर की बहू नहीं है, बड़ी बेटी है। लेकिन ये मत सोचना कि डांटूंगी नहीं, चिल्लाऊंगी नहीं, समझी? मुझे रसोई एकदम साफ चाहिए, समय पर सब काम हो जाना चाहिए। और चल बाद में बताती हूँ, ला आरती उतार लूँ उसकी।